वेलकम बैक बुलेटिन के बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अमरीका की तरफ से माहौलियाती समिट में दावत न मिलने पर वजीर आजम का रद्द अमल सामने आया। वजीर आजम कहते हैं माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में दावत न मिलने पर हैरान हूं, हमारी पॉलिसियां माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने पर गामजन है। पॉलिसियां आयदा नस्लों को सरसब्ज पाकिस्तान से वाबस्तगी के मुताबिक हैं। वजीर आजम का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में मदऊ न करने पर तनकीद हैरान कुन है। हुकूमत की माहौलियाती पॉलिसियां मुकम्मल तौर पर हमारे आजम पर चल रही हैं। हमारी माहौल दोस्त पॉलिसियां हमारे मुस्तकबिल की नस्लों के लिए हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की पॉलिसी माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए है। कुदरती माहौल के तहत जो है वो 10 बिलियन ट्री सुरानों जैसे इकदाम किए हैं। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए मुल्क में दरियाओं को भी साफ किया जा रहा है। हमने 7 सालों में इस हवाले से वसी तर तजर्बा हासिल किया। वजीर आजम इमरान खान का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में माहौल दोस्त पॉलिसियों की आज दुनिया मोतरफ है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क को अपने तजर्बात से मुस्तफीद करने के लिए तैयार है। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा है कि हमारी पॉलिसियां माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने पर गामजन हैं। वजीर आजम पाकिस्तान का कहना है कि पॉलिसियां आइंदा नस्लों को सरसब्ज पाकिस्तान से वाबस्तगी के मुताबिक हैं। वजीर आजम का अपने ट्वीट में मजीद कहना है कि हमारी हुकूमत माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक पहले से इकदाम कर रही है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए 2021 की कॉन्फ्रेंस में तरजीहात का तयन कर चुके हैं। अगर आलमी बरादरी माहौलियाती तब्दीली के असरात का मुकाबला करने के लिए संजीदा है तो गौर करें। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 84 अमवात हुई हैं और मुल्क भर में कोरोना से जहांबाक अफराद की तादाद 14,697 हो गई। 24 घंटों के दौरान 50,186 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 4,723 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 1,03,47,730 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजबूई तादाद 6,09,691 हो गई। पंजाब 2,28,356, सिंध में 2,66,173 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा 90,262, बलोचिस्तान में 19,679 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद 60,197, गिलगित बल्तिस्तान में 5,045 केसेस रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 13,176 हो गई। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 6,82,888 हो गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 58,500 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,723 नए केसेज रिपोर्ट हुए। सूबों की बात करें तो पंजाब में 2,28,356, सिंध में 2,66,173, खैबर पख्तूनख्वा में 90,262, बलूचिस्तान में 19,679, गिलगित बल्तिस्तान में 5,045, इस्लामाबाद में 60,197, जबकि आजाद कश्मीर में 13,176 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,03,47,703 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,186 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,09,691 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 3,490 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान से कोरोना में एक दिन में 84 अफराद जांबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 14,697 हो गई, जबकि पंजाब में 6,523, सिंध में 4,506, खैबर पख्तूनख्वा में 2,417, इस्लामाबाद में 574, बलूचिस्तान में 211, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आजाद कश्मीर में 363 मरीज जान से हाथ धो बैठे। भारत अपनी 80% वैक्सीन खुद बनाता है। नौशीन हामिद कहती हैं हमारे मुल्क में कभी वैक्सीन बनाने की तरफ फोकस नहीं किया गया। एनआईएच इस्लामाबाद में 30 लाख वैक्सीन खुद बनाएंगे। नौशीन हामिद ने कहा कि हमारे मुल्क में टेस्टिंग का रुझान कम है, लोग सामने आकर टेस्ट नहीं कराते, वैक्सीन लगाने में बेजाबतियां हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। उनका कहना था कि कोरोना की गुज़श्ता लहर में भी बच्चे मुतासिर हुए थे, गुज़श्ता लहर की तरह इस लहर में भी बच्चों में कोरोना की शरह 3% है।
कोरोना से निपटने के लिए इकदाम। खैबर पख्तूनख्वा में बैन अजलाई ट्रांसपोर्ट आज और कल बंद होगी। निजी गाड़ियों को आमदोरफ्त की इजाजत होगी। माल बरदार गाड़ियां भी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। कोरोना से निपटने के लिए इकदाम। खैबर पख्तूनख्वा में बैन अजलाई ट्रांसपोर्ट आज और कल बंद। निजी गाड़ियों को आमदोरफ्त की इजाजत। माल बरदार गाड़ियां भी पाबंदी से मुस्तस्ना। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदाम। सिंध में इंटर सिटी बैर सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला ने एनसीओसी को आगाह कर दिया। सूबे में तालीमी इदारे खोलेंगे या नहीं, महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। सूबाई हुकूमत की जानब से इस अहम फैसले का इतलाक दो दिन के बाद होगा। महकमा दाखिला सिंध की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि सूबे में इंटर सिटी और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध ने इस अहम फैसले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीओसी के हुकाम और सरबराह असद उमर को आगाह कर दिया है। ये फैसला सूबे सिंध में टास्क फोर्स के इजलास के बाद किया गया है। कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा। वेंटिलेटर्स भर गए। सवात में 100% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। लाहौर 67%, इस्लामाबाद में 50% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा। वेंटिलेटर्स भर गए। सवात में 100% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद। लाहौर 67%, इस्लामाबाद में 50% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। लाहौर का रुख करें और आपको बताएं कि बगैर मास्क मोटरसाइकिल सवारों, गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 4 रोज में 38,000 से ज्यादा चालान के टिकट जारी किए गए और मजीद 12 मुकदमात भी दर्ज हुए। ट्रैफिक पुलिस ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने और कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 228 गाड़ियां भी बंद कर दी। इसके अलावा 26 परवाज और 933 मोटरसाइकिलों, 5,176 रिक्शों, 2,523 कारों को चालान टिकट जारी किए। 2,247 पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 1,106 मिनी मजदा और 691 ट्रॉलर के चालान टिकट भी इशू किए गए। सीटीओ लाहौर सैयद हमाद आबिद ने कहा कि इंसानी जानें जरूरी हैं, तहफ्फुज़ के लिए तमाम वसाइल ब्रुए कार लाएंगे। चालान का मकसद शहरियों की जानों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना है। कार में बगैर मास्क एक फर्द का चालान नहीं किया जा रहा। दो या दो से ज्यादा अफराद के लिए मास्क जरूरी है। भारत समेत यूरोप में कोरोना सूरत हाल संगीन। पाबंदियां पाकिस्तान पर, नाशाह की पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने की मुखालफत। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने फैसला सियासी करार दे दिया। रुकने पार्लियामेंट नाशाह का बरतानवी सेक्रेटरी खारजा को खत। भारत समेत कई ममालिक में कोरोना फैलाव की शरह ज्यादा है, इन ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। खत का मतन। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने की मुखालफत करते हुए बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानिया फॉरेन सेक्रेटरी को लिखे गए खत में कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का फैसला सियासी है। भारत समेत कई ममालिक में कोरोना की शरह पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन उन्हें रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। याद रहे, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया। पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी शहरी और रेजिडेंसी वीजा के हामिल अफराद ही वापस बरतानिया जा सकेंगे। पाकिस्तानी को विजिट वीजा इशू नहीं होगा। हर मुल्क को अपने शहरियों की हिफाजत के लिए फैसलों का हक हासिल। असद उमर कहते हैं कि बरतानिया की जानब से ममालिक का चुनाव साइंस पर मबनी था या खारजा पॉलिसी पर। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने पर जायज सवाल उठ गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह के खत की कॉपी को ट्वीट किया है, जिसमें नाज शाह ने भारत अमरीका की निस्बत बेहतर सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का मामला उठाया है। असद उमर ने लिखा है कि हर मुल्क को अपने शहरों की सेहत की हिफाजत से मुतालिक फैसला करने का हक है, तहम बरतानवी हुकूमत की जानब से कोरोना सूरत हाल को जवाब बनाकर पाकिस्तान समेत चंद दीगर ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने के अमल ने जायज सवाल उठा दिए हैं। वफाकी वजीर ने अपने ट्वीट में मजीद लिखते हुए कहा कि बरतानवी हुकूमत की रेड लिस्ट में शामिल करने के लिए पाकिस्तान और चंद दीगर ममालिक का चुनाव साइंसी बुनियाद पर था या इसकी वजह खारजा पॉलिसी थी।
लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन के बायस आज तमाम तर कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। बढ़ते कारोबार और कोरोना के बायस शहर में आज भी जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कारोबार की बंदिश और जुज़वी लॉकडाउन से कौन सा तबका ज्यादा मुतासर हो रहा है, उनका क्या कहना है, इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उबैद खान से। जी उबैद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शहरियों की जिंदगी के लिए एक इंतहाई बड़ा खतरा साबित होती हुई दिखाई दे रही है। मुतद्दिद अफराद को आज भी कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया है और जबकि बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो इंतकाल भी कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद कोरोना की रोकथाम के लिए जो जिला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत की जानिब से SOPs तैनात किए गए हैं शहर के अंदर, उनके ऊपर किसी हद तक तो अमल दरामद होता हुआ दिखाई देता है, मगर किसी हद तक अमल दरामद होता हुआ नहीं भी दिखाई देता है। आज भी हफ्ता और इतवार के रोज दो दिन जो ताजिर बिरादरी है दुकानें बंद रखेगी, तमाम तर कारोबार जो है वो बंद रखे जाएंगे। आज भी शहर की मुख्तलिफ दुकानें जो हैं वो बंद दिखाई दे रही हैं, मगर इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि मौजूदा दौर इंतहाई महंगाई का दौर है। अगर हुकूमत वक्त जहाँ पर मजबूरी सूरत हाल को पेश नजर बहुत सारे जो ताजर हैं उसके अलावा आम पब्लिक है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जहाँ पर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, अगर लॉकडाउन लगता है तो सबसे ज्यादा जो मुतासिर होता है जो पस्त तबका होता है वो मजदूरों का होता है। इनसे बात करते हैं तो पूछते हैं, अच्छा अगर हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया तो हालात कैसे हैं, मजदूरी मिलती है पहले? नहीं, दो तीन दिन हो गए काम ही नहीं मिल रहा, जब से लॉकडाउन लगा है काम है ही नहीं इधर, बिल्कुल भी काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं है, रोज आते हैं चले जाते हैं, काम नहीं है, इतनी महंगाई है क्या करे। तो घर में गुजारा कैसे करते हैं? बस कोई जाता है जिससे से मांग, जिससे से मांग, रिश्तेदारों से मांग, फिर रोज रोज कौन देता है पैसे। यकीनन जो हालात है वो इंतहाई गंभीर होते हुए दिखाई देते हैं। कितने दिन हो गए मजदूरी मिले हुए आप लोगों को? 5-10 दिन हो गए हैं। 5-10 दिन हो गए मजदूरी नहीं मिली? कोई नहीं मिली। अगर हुकूमत लॉकडाउन की तरफ जाती है तो क्या हालात होंगे घरों के? वहाँ भूखी मरेगी और क्या होना। अब मजदूरों की आवाज सुन रहे हैं यहाँ पर, जो बड़ी तादाद में मजदूर सुबह के वक्त से अभी तक खड़े हैं इस इंतजार की घड़ी के साथ के उन्हें कोई आएगा और आकर ले जाएगा, और जाहिर है मजदूरी होगी तो अपने घर वालों की कफालत कर सकेंगे कि इंतहाई महंगाई का दौर है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर हुकूमत के जो फैसले हैं वो अपनी जगह पर मौजूदा बिल्कुल सही दिखाई देते हैं, मगर इन लोगों का खास ख्याल रखना भी जो हुकूमत है उसकी अवलीन जिम्मेदारी है। यकीनन तमाम तर मजबूरी सूरत हाल जो शहर की इस वक्त हमें दिखाई दे रही है वहाँ पर कोरोना वायरस भी फैल रहा है, दूसरी जानिब महंगाई के जो बढ़ते हुए वार्स है वो भी फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया वैद आगाह करने के लिए। और लाहौर के बाद रुख करें शहर कायद कराची का, जहां पे कोरोना के वार शिद्दत से जारी हैं, जबकि दूसरी जानब शहर गवर्नमेंट के दिए गए SOPs पर अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा है। इसी हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रोज न्यूज कराची से इम्तियाज जाखरानी। जी इम्तियाज, तमाम तर तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी कोरोना के वार जो है तीसरी लहर जो है वो शिद्दत से जारी है और दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता दिन सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था जिसके तहत जो है 8 बजे तमाम मार्केट्स बंद करने के अहकाम भी जेर गौर आए। इसके साथ साथ जो तफरी मकाम हैं वहाँ पे मास्क को पहनना लाजमी करार दिया गया था। इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट हैं, शादी हॉल्स हैं, उनको भी मुकम्मल तौर पर 12 अप्रैल तक बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ आपको कि जो हफ्तेवार बाजार लग रहे हैं वहाँ पे जो है शहरी बिल्कुल गवर्नमेंट के दिए गए SOPs पे अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो खवातीन हों, बुजुर्ग हों या बच्चे हों, लेकिन इंतजामिया की जानिब से खातिरख्वाह इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैंड सैनिटाइजर गेट के साथ साथ जो है शहरियों को मास्क लगाने के लिए बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो स्टॉल हैं वहाँ पे भी उनको भी इंश्योर कराया जा रहा है जो सब्जी फरोख्त कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो फ्रूट के स्टॉल हैं उनको भी बार बार इस चीज़ को इंश्योर करवाया जा रहा है कि वो SOPs के तहत स्टॉल लगाने की इजाज़त है उनको। यहाँ पे हमारे साथ बाजार इंतजामिया भी मौजूद है, उनसे के लिए। शहर लाहौर में भी कोरोना के बाहर जारी शहरियों की बेहतियाती की वजह से कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफा होने लगा। लाहौर पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे आजम बाजवा से। जी बिल्कुल, अगर कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर में कोरोना वायरस के बाहर जो है वो जारी है और शहरियों की जो है वो गैर एहतियाती अमल की वजह से जो है कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा देखने में नजर आ रहा है। आज हफ्ते का दिन है और इसके बाद जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्केटें और दुकानें जो है वो खुली हैं। कैमरामैन दिखा सकता है कि अभी भी
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार जो है वो दुकानें खोलने के बाद अपनी दुकानों पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से आज हफ्ते के रोज और इतवार के रोज जो है वो मार्केट और दुकानें मुसलसल बंद रखने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए सिटी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कोरोना एसओपी पर अमल दरामद करवाने के हवाले से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर पिछले 24 घंटों के दौरान सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1001 जो है वो चालान किए गए हैं, और अगर बात की जाए चार रोज के हवाले से तो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने चार रोज के दौरान 38,676 जो है वो टोटल चालान टिकट जो है वो जारी किए हैं, जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो है वो 12 मुकदमा दर्ज किए हैं और 50% से ज्यादा सवारियां बैठाने पर 228 गाड़ियां जो है इनके खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। इसी तरह शहर लाहौर में 36,933 मोटरसाइकिलें हैं, इनको जो है कोरोना एसओपी पर अमल दरामद न करने की वजह से चालान टिकट जारी किए गए हैं। रक्षों के 5,176 चालान टिकट जारी किए गए हैं और इसी तरह कारों के 2,523 चालान जो है वो जारी किए गए हैं, और इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 2,247 गाड़ियां ऐसी हैं कि जिनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। इनमें 1106 जो है वो मजदा ट्रक हैं और 619 जो है वो ट्रॉलर हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो शहर में शहरियों की जानिब से जो है कोरोना एसओपी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के वार जो है वो जारी है और इसके मरीजों में मुसलसल इजाफा देखने में नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। 14 अप्रैल को पहला रोजा होगा, फवाद चौधरी का ट्वीट। रमजान का चांद 13 अप्रैल की शाम देखा जा सकेगा, फवाद चौधरी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये रमजान सबके लिए रहमत और बरकत का बायस बने। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि रमजान का चांद 13 अप्रैल की शाम को लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर समेत कई दीगर शहरों में वाजे तौर पर देखा जा सकेगा। ये रमजान सबके लिए रहमत और बरकत का बायस बने। चीनी स्कैंडल केस जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानतें मंजूर, अदालत ने पुलिस को दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज ने चीनी स्कैंडल केस की समाप्त की। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने उबूरी जमानतों की दरख्वास्तें दायर की। चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानतों की दरख्वास्तों पर समाप्त हुई। जहांगीर तरीन और अली तरीन अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। जहांगीर तरीन के वकला ने दलाल देकर मुकदमात बेबुनियाद करार दिए। वो शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं, लिहाजा अदालत जमानत मंजूर करे। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 1-1 लाख के मुचलके जमा करवाने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन कहते हैं, समझ नहीं आ रही मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मेरे खिलाफ मर्जी की खबरें लगवाई जा रही हैं, मेरा बेटा बेगुनाही साबित करने बैरून मुल्क से आया, अदालत साबित होकर खुद को कानून के सामने पेश किया। NA75 डिस्का में जिमनी इलेक्शन 10 अप्रैल को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतजाम को हतमी शक्ल देने की हिदायत, सिक्योरिटी के लिए फौज की खिदमात हासिल करने का भी प्लान। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए रोज न्यूज।